यूनियन कमीशन मैनू सियासत में जन्म दिता। मैं गल अज इस वास्ते करन लगा कि परसों बड़ा ही ज्यादा प्रचार है जी यूनियन कौंसल हरिया इतने में। इस यूनियन कौंसल ने 1987 मैनू 21 साल की उम्र मैंबर जिला कौंसल इलेक्ट किया और पाकिस्तान की तारीख का और रिकॉर्ड इलेक्शन सी कि उम्र 25 साल तक भी इलेक्शन लड़ने वास्ते इस यूनियन कौंसल के मेरे मौसरा मैनू 21 साल की उम्र मैंबर जिला कौंसल मुंतखब करके और 4 साल मैंबर जिला कौंसल रखा। इस यूनियन कौंसल का मेरे से एहसान है। अज भी जी परसों टीम सी एक कुदरती एक अमर है कि सबाबा सारा हो गया 1991 इन्ने बुरे हालात। मैं गल सिर्फ अपने नौजवान भाइयों अपने बेटियों अपने भतीजों की गल दसना चाहना वा कि 1990-91 तो लैके 95 तक के जो हालात सन उन्हां दा इस यूनियन कौंसल च मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल सी। मैं खराजे तहसीन पेश करना बहुत सारे बजुर्ग दुनिया फानी तो चले गए ने चौधरी मोहम्मद असलम साहब मरहूम चौधरी शीश जागर साहब चौधरी हसन दीन साहब इस तरह ही मैं दारा के बहुत सारे मेरे अमोल सिंह जेड़े उस वक्त बुरे हालात चौधरी अनवर अजीज साहब के कहने के मेरे नाल खलोते मैं उन्होंने खराजे तहसीन पेश कर रहा हूं। अज उन्होंने औलादा अज भी मेरे नाल ने थले यही होंगे कि जेडे 1991 मेरे नाल सन वह अज भी मेरे नाल खलोते ने और 1991 इलेक्शन जी अज भी वह टीम मेरे मुखालिफ है जेड़ा अज का उम्मीदवार है ओदा वालिद मरहूम मेरे खिलाफ कैंडिडेट सी और मौसूफ जेड़े करप्ट नाजदा और नालायक आदमी जो आप गल कर रहे सी उस वेले एदी ताकत का अंदाजा वाकई नहीं सी लेकिन रब ने सानू चौधरी अनवर अजीज साहब की क्यादत ताकत दिती सानू लोगों ने ताकत दिती असि यूनियन कौंसल का वह इलेक्शन 1991 जितया। 1998 इस टीम ने अपना खिलाड़ी बदल लिया और उस नलायक और करप ने अपने सजे भतीजे मेरे खिलाफ इतने कैंडिडेट बना इस यूनियन कौंसल ने फिर भी उन्होंने शिकस्त दी। 2001 के नाजम के इलेक्शन इस यूनियन कौंसल ने सारे इकट्ठे हो गए उन्हें कहा यार इन एक बदला ला लिये और सारे इकट्ठे हो गए फौत हो गए बजुर्ग बुलाए जनरल सिंह करे अच्छा नाम से उन्हों का लेकिन जो तो सारी दुनिया इकट्ठी होगी तो जिन्हें इस यूनियन कौंसल के गरीब गयूर और बाहे मजदूर सन उन्हें मेरे साथ हाथ रखा और यूनियन कौंसल के नाजम तो मैंने रिकॉर्ड वोटा दे के गल दिया। 2006 के इलेक्शन इस यूनियन कौंसल ने इस यूनियन कौंसल ने लोगों मेरे प्रति की और मेरी बेगम ने इस यूनियन कौंसल में नाजम बारिया शरीफ है केंद्र यूनियन कौंसल हार गई। मैं 1915 खान साहब अपनी मस्ती हार गए थोड़ी कोई हिम्मत नहीं मेरी नलायकी सी मेरी बेवकूफ सी कि मैं अपने भरा अपने दोस्त को निराश करके थोड़े को भेज दिता। अज आपने वो मौका फराहम किया कि मेरी उन्हें अज भी कबूल की मेरे से मेहरबानी की और अज सारा स्टेज सज गया। जो हालात मेरे 2006-2001 और 1998-1987 में सन जैसे मैं तो यकीन दिलाना कि यूनियन कौंसल चंगा नारायण बोर्ड रिजल्ट इलेक्शन दे तो मिसाली रिजल्ट होगा। इस यूनियन कौंसल की कई उम्र मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बुजुर्ग मेरी मामा और भैन इन शाला अजीज अल्लाह तला के हुक्म 6 दिन शांत मोर ला के इन शाला अजीज सानू इस तरह नवाज देंगे। इस यूनियन कौंसल के लोग मेरे हमेशा एहसान और मेहरबानी की और मैं समीरा
कि अगर उन्होंने नजर अपने दिखी हुई है कि आज वो आके अक्ख देख ले अगर उन्होंने नजर अपने दिखी हुई है, लेकिन चुके अन्ने नजर दिखती नहीं हुई। साढ़े दोवे च फर्क है कि उन्हें चार पांच चेयरमैन लिया के बारी बारी डिपीटा करवाते हरे चेयरमैन आज आज चेयरमैन की एक लंबी लाइन सारी स्टेज से मौजूद है और मैं जिन्हें नाम गुनाए ने इन्हें जो इनको कोई एक मां साहेब चौधरी तारक मुबारक और चौधरी लाखिर तो अलावा कोई एक मुकामी उन्हें दसो सारे आजाद जम्मू कश्मीर के गयूर महाजन नुमाइंदे नदीम रिंग साहब महाजन जम्मू कश्मीर चेयरमैन यूनियन कौंसल शाला सबक नाजम यूनियन कौंसल बड़ा भाई मसूर तो लैके फार्मर असगर तक एक चाकिब तो लैके बड़ा भाई सुखा चाक समान और जुल्फकार साहब यूनियन कौंसल अपना शाबर बंगू तो शिखला जी जुल्फकार साहब के हाथ शिखला है इस तरह वो तो स्पीक चेयरमैन सिंह ने तो एक यूम चेयरमैन साहब ने एक एक मतलब चेयरमैन जेडे वो सारे दोस्त सारे नाल ने मास्टर मोहम्मद अनवर साहब यूनियन कौंसल डेलगा तो कई दफा चेयरमैन ने हमेशा उन्होंने साथी सन लेकिन उन्होंने एहसान फरमाया और आज जो सारी स्टेज की जीनत बनी साढ़े मेहरबानी की और आज जो साढ़े बड़े भरा साढ़े नाल खड़े ने ये दसने उन्हें खड़ा क्यों ने चल मैं मुनू साहब गल की मैं बड़ी एक जिम्मेदारी गल करना कि छत्तर तो लैके वड्डे भाई तो बजुर्ग तक कोई एक बंदा दसन जरा इन्होंने एक सौ वोट दिला साहब की कदम सारे स्टेज से मौजूद ने कि सामने मौजूद ने उन्हें गल कर दोस्तों उन्हें फर्क साढ़े तो फर्क यह है कि तुम थोड़ा जा 2011 में जाओ तो यह जरा अज का उम्मीदवार है और वालद जिड़ी इस नलायक और करप्ट सियासतदान के मुतलिक गुफ्तगू करते सन जिड़ी तकरीर सन मिनु शर्म आई तकरीर करते तू परसों बड़ा महत्वपूर्ण बनी फिर 11 च ते तेन सारे बेईमान झूठा कहने कहने साढ़े ग्रां के हलके कि दौड़ गया यह कहने मैं भी नहीं किया अच्छा मैं सब मैं तो हमेशा एहसान किया मैनू रब ने एजाज दिता कि मैं 18 अगस्त 1983 चौधरी इंदर सिंह साहब के हुक्म से पटली में तुम्हें मैंबर जिला कौंसल का उम्मीदवार बना के उसे स्टैंड लगाया और कैंडिडेट वाले के खिलाफ मैंबर जिला कौंसल बनाया सानू रब ने एजाज दिता मैं अज तो 5 साल पहले ऐसे पिंड स्टेज में अरेस्ट ऐसे मुखाफत रब ने साडे मेहरबानी की थी कि असा थानू 18 अगस्त 1983 कबड्डी के मैदान तो चले नवजीत साहब ने लिया के जंग उतार के बेस्ट पहना के थानू मैंबर जिला कौंसल बनाया थानू MP बनाया उस वेले चौधरी नवजीत साहब ने अपना बाप और सियासी बाप कहते सो उस दिन कहते कि चौधरी नवजीत साहब मेरे सियासी बाप ने अज ओ चौधरी अजीत ने अज उन्होंने बेटा है चौधरी दानियल अजीत साहब अदों दिन जाके उन्होंने तरले करते सो हूं रात में जाके चौधरी दानियल अजीत साहब के बैठ फरते गल सुनो मैं सिर्फ इनी गल करांगा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट वास्ते LA 37 जम्मू 4 वास्ते चौधरी सदीक भटली साहब का इंतखाब करके इस सीट ते इस जिले ते और इस इलाके ते एक एहसान किया है कि असी तुसी सारे मिलके एहसान का बदला इस शक्ल च चुकाना है कि असी जिस दिन भी पोलिंग स्टेशन होना है चौधरी सदीक नू भारी तरीन अक्सरियत नाल MLA मुंतखब करवाना है। Yeah.
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों के इलेक्शन, मेरे भाइयों के इलेक्शन धड़ियां का नहीं है, ये इलेक्शन ग्रुपबंदी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इस गल का इलेक्शन है। मेरा मैं इस मजमे च सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन मौजूद होंगे, ऐस मजमे च सैकड़ों रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन मौजूद होंगे। पाकिस्तान की 74 साल तारीख के विच पहली दफा होया कि पिछले 3 साल तो ना किसी सरकारी मुलाजम की तनख्वाह वधी है ते ना किसी सरकारी मुलाजम की पेंशन च इजाफा होया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गो, अगर किसी नू चौधरी सदीक बटली की जात नाल इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ अपने कोल अपनी जगह मौजूद रखे, लेकिन अपना हक लैन वास्ते, अपनी आवाम की खुशहाली वास्ते तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त दो और चौधरी सदीक बटली को शेर के निशान पे फतह नाल हमकनार करो। भाइयों, अगर सिलसिला इसे तरह ही 2-4 साल होर चलता गया तो यकीन जानो 2 वक्त की रोटी मुयसर होना महाल हो जाएगा, साडे तुहाडे गुजारे होना मुश्किल हो जाएंगे। ऐ इलेक्शन ही वो वक्त है जिदे विच असी चौधरी सदीक साहब नूं वोट दे के पूरे पाकिस्तान च अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराइए। शायद फिर इस हुकूमत नूं होश ते नाखून आ जान, इन्हां नूं होश आ जाए ते तुहाडी और पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते कुछ सोचन। भाइयो, इलेक्शन चौधरी सदीक बटली और अकमल सरगाला साहब के दरमियान हो रहे हैं। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार अकमल सरगाला साहब सुनने जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चौधरी सदीक बटली साहब ने। इस तू पहले 3 उम्मीदवार जेडे मुकाबले दे होंदे सन वो इलेक्शन च हिस्सा लेंदे सन, हुण 2 उम्मीदवार रह गए। 2 उम्मीदवार अपनी मेहनत कर रहे ने, तगो तो कर रहे ने, उना दे दोस्त साथी उना वास्ते मेहनत कर रहे ने। मेरे भाइयों, इलेक्शन ते इना 2 बंदियां दे दरमियान है ते एक तीसरा बंदा कहंदा मैनू भलवान मनो। ओ भाई, तू तो उधर ही भलवान लोक नहीं, भलवानी मोदी सी जिदन तू बह गया सी, तू इलेक्शन छड़ गया सी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, गुजारिश ये है, बड़ी मजे की गल ये है कि भाई साहब नूं पता नहीं मेरी की तकलीफ है, वो इलेक्शन सदीक बटली ते अकमल सरगाला लड़ते पे ने ते मेरी जान क्यों नहीं छड़दा पिया। मेरा कसूर मैं तुहानूं अपना कसूर भी दस देना कि भाई उरी जी नूं इलेक्शन छड गए, बह गए, फिर इन्हां दा दिल कर पिया कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ा, मैं कोई दा दुक्का ला लवां। ते अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल इन्होंने पैदल उधर भजन की कोशिश की, तो मैं घेर घूर के इन्हों फिर उसे खुदे जवाड़ दिता जिथों ये भजन की कोशिश करते। इलेक्शन अकमल सरगाला साहब है और चौधरी सदीक बटली साहब के दरमियान हो रहा है। असी सारे बटली साहब के साथी हाँ, दीगर लोग साडे सियासी हरीफ, साडे सियासी मुखालफीन अकमल साहब के साथी ने। भलवान उरी कहंदे ने
कि मैनू भी शहीदा विच गिनो, हाला सिर्फ उंगली कटवाई है। ग्रुप लई फिरदे हो जी, मेरा ग्रुप पूरे जिले च है। और तू इलेक्शन लड़दा जे तू 3000 नूं हथ ला जांदा ते मैं सियासत छड्ड जांदा। मैं समझना कि सानू अपनी गुफ्तगू का महवर चौधरी सदीक भटली उना दी जमात और दूसरी जमात का रखना चाहिए है। जेड़ा चूरन भाई उरी वेचना चाहते ने उस जमाने खत्म हो गए, और चूरन हूं नहीं विकना। हुण तुहाडी कोई फटक नहीं होनी। रही गुफ्तगू की गल, सियासी नजरियात ने, सियासी मुफादात ने, सियासी दोस्तियां ने, साडे सियासी मुखालफी ने, उन्हां दी स्टेज होंदी है, उस स्टेज दे उत्ते साडे दीगर सियासी हरीफ भी बैठे होंदे ने, जेड़े साडे दोस्तां दे खिलाफ यूनियन कौंसलां दे इलैक्शन जितदे भी ने ते हारदे भी ने, वो लोग भी उस स्टेज पे मौजूद होंगे ने, लेकिन वो भी सुलझी दी गुफ्तगू करते हैं। पता नहीं इस कब्र नूं की हो गया, क्योंकि इन्हां नूं समझ आ गई है कि साडी कहानी मुक गई है। भाई साहब, जेड़ा तुसी सियासत च गंद पान की कोशिश करना चाह रहे हो, अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल ओ गंद नहीं पैना, ना तुहाडे कहण ते किसे ने पाना है, और ना ही तुहानू किसे ने इस इलेक्शन च नुमाया होण देना। मेरे बुजुर्गो, मेरे भाईओ, अगर इन्हां च सकत होंदी ते भी उम्मीदवार होंदे। किथे उम्मीदवार, किथे सपोर्टर? मेरे भाइयो, मैं तुहाडी विसाखत नाल चौधरी दानियाल अजीज साहब नूं जिहड़े कुछ दिन पहले असीं विजिट कीता चमरियाल यूनियन कौंसल और खैरा यूनियन कौंसल दा,
दानियल साहब बड़े मुतफक्कर सन तहसील जफरवाल कह रहे सन के जी पता नहीं कोई ग्रुपिंग और जिस तरह एक कैंडीडेट ने अपना इलेक्शन छोड़ देता और दूसरे कैंडीडेट के हक च उन्होंने अपना पलड़ा पा देता। तो मियां साहब फिर साहब पहली गल तो है कि जेड़ा जम्मे गफीर पुर खलूस अवाम का जेड़ा ठाठा मारदा होया समुंदर साडे तुहाडे सामने मौजूद है तुहानू हुण पीपी 46 और तहसील जफरवाल की फिक्र करना की जरूरत नहीं है। कोशिश जारी रखनी है, मेहनत असी कभी कोई नहीं छड़नी, पूरा इलेक्शन इंशाला तोड़ तक लड़ांगे और ओ नतीजा हासिल करांगे जेड़ा तुहाडा और इस इलाके का हक है और ओ चौधरी मोहम्मद सदीक भटली साहब की सूरत दे विच है। नहायत ही काबिल एहतराम वफाकी वजीर पाकिस्तान के लीडर मेरे नहायत ही काबिल एहतराम चौधरी अवैस कासम खान साहब, मेरे बड़े भाई चौधरी मोहम्मद सदीक भटली साहब और जितने मेरे दोस्त चेयरमैन और दूसरे दोस्त जितने भी स्टेज पे बैठे हैं, चौधरी यकूब आफमोरली साहब, चौधरी महमूद सगरां साहब, मैं अगर ये लिस्ट लिखनी शुरू की थी तो फिर मेनू टाइम नहीं मिलना थोड़े ना गला करन दा, लिहाजा मैं ये शार्ट करके तो मैं थोड़े नाल दो गला तरह बात जरा कर लांगा। बाकी सारे चेयरमैन जिन्ने ब्लाक दे मेरे दोस्त ने बुजुर्ग मेरे भाई मेरी तरफों सब नू अस्सलाम अलैकुम। ते दोस्तों चंद गल्लां दा मैं जेड़ा परसों जलसा सी ओदे हवाले नाल तारीख नूं जरा दुरुस्त करना चाहना ते उहनां दोस्तां नूं जरा दस्सा चाहना कि भाई साहब इह उही रिया सलैरी है जिद्दण तूं आंदे ने से मैं उस दिन भी चेयरमैन दा इलैक्शन लड़ाई दे रखदा इक पासे पंजाब गौरमैंट सी इक पासे एम स्कीम सी जिन्नू इलैक्शन च तूं हरा लिया लेकिन खिलाफ इलेक्शन लड़िया ऐसी मैं यूजीसी प्रमाण जिथे कोई बंदा इन्होंने खिलाफ कागज जमा नहीं करा जब मैं इलेक्शन लड़न का प्रोग्राम बनाया मैं भी बड़े दोस्तों ने कहा कि भाई यार वो एम एन ए ने यार बंद मारते ने यार वो इंज करते ने मैं क्या भाई साहब मैं उन्होंने पिछू आया तो मैं पता है बंदे कदों मारते ने जंगू चक दनोट तू लैके पिंडी बोड़ी तक तुम गिने सिर्फ लेकिन अल्लाह की मेहरबानी नाल जरा शेर निशान है ना शेर निशान पाकिस्तान अल्लाह ने झूठे बोलिया तू निकलो बाहर मुल्क की
राखी करनी है भाई साहब मैं तुम दसना मेरे तजर्बा याद है मेनू इन्होंने चिट्टिया का इलेक्शन चल जाए वो दुराया इसलिए दोस्तों मैं तेरे सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहना परसों इतने एक जलसा होया मैं तुम्हें एक अर्ज करनी है कि तुसा परसों भी जलसा देखे तो उत्थे जिहड़े स्टेज ते चेहरे बैठे थे वह भी देखे ने ईमानदारी नाल दसो ते आ चेहरे देखो सारे जिले के चेयरमैन उन्हें सारिया भेटा लिया के बाद निशान जेने लै गए थे हूं इंशाला उन्होंने भी निशान है तुम देख लो इस जरा परसों ने जलसा किया बड़ी उन्हें तमीद बनी है जी जलसा आया साडा जलसा असी टीविया के रिलायब दिखाया एक साडा चेहरा भी बाबे आंदा रहा भुखो साडा वो भी आए थे जी उस जलसे देखने अज मैं उन्होंने आ रहा यह भी लाइव देख तो इन्हों दिखा है जलसा की होंगे जलसा इन लोग कहें दूसरी उन्हें मेरे मुतलक बड़िया गलतियां ने मुतलक गल करते हैं जिन्हों बटू तौर तो लैके तो अजमान दे रहे हैं मैं उ लिया के तरखाणा उ लिया के तरखाणा तुम सारे जानते हो मैं अपनी हद क्रॉस नहीं कर दी इन्हों उस दौर च भी मैं थानू आख्या की सी भाई तुम मेरे मगर पै गए इस जलसे च परसों मैं तो थानू असली गल दसी सी कि किसी के मरे प्यो न कुछ नहीं आखी जे तुम किसी के मरे के प्यो न कुछ आखोगे तो कल थानू भी कोई आखेगा फिर तुम तकलीफ होगी जी हो अगले दिन तो कला लिया के हूं तो भी लिया के दे देंगे हूं कि लड़ना तुम मेरी अख खराब है मैं परसों का ऑपरेशन कराए दा मैं एक शेर सुनाना थानू सुनाना थानू है वैसे उन्होंने ही है उदे नाल ही मैं थोड़े को इजाजत ले लेनी है अपनी अख ते जोर नहीं पाना एक काम देना है जी इन्हें खुला के रखना है वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से उस हाल में जीना लाजम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो इंतहाई मुखलस वर्कर नौजवानों की आवाज जनाब चौधरी रियाज सलारी साहब आप कमरा रहमान रहीम मेरे नहायत ही काबिल एहतराम वफाकी वजीर पाकिस्तान के लीडर मेरे नहायत ही काबिल एहतराम चौधरी अवैस कासम खान साहब मेरे बड़े भाई चौधरी मोहम्मद सदीक भट्टी साहब और जितने मेरे दोस्त चेयरमैन
मैं अगर ये लिस्ट लिखनी शुरू की थी तो फिर मेनू टाइम नहीं मिलना थोड़े ना गल्ला करन दा। लै ला मैं ये शॉर्ट करके तो मैं थोड़े ना दो गल्ला जरा बात जरा कर लांगा। बाकी सारे चेयरमैन जिन्ने पड़ा के मेरे दोस्त ने बुजुर्ग मेरे भाई मेरी तरफों सब नू अस्सलाम अलैकुम। ते दोस्तों चंद गल्लां दा मैं जेड़ा परसों जलसा सी हवाले तारीख में मेरा दुरुस्त करना चाहना ते उन्हां दोस्तों ने मैं दसना चाहना कि भाई भाई यार वो एम एन ए ने यार बंद मारते ने यार वो इंज करते ने। मैं क्या भाई साहब मैं उन्होंने पिछू आया ते मैनू पता वो बंदे नू कदों मारते ने ते जिस गल कोई परवाह नहीं ते रही गल रियासती ते बछिंडिया दी। ओ भाई साहब जंगू चक दनोट तू लैके ते पिंडी बोड़ी तक तुसीं गिणिया सिर्फ लेकिन अल्लाह की मेहरबानी नाल ये जिहड़ा शेर निशान है ना शेर निशान ओहदे पाकिस्तान दे जिथे मर्जी जो डटे हुए है महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। इंतहाई काबिल एहतराम फखरे पाकिस्तान जनाब चौधरी दानियुद्दीन साहब एमएनए, काबिल एहतराम जनाब चौधरी अवैस कासिम साहब सबका एमपीए,
जनाब चौधरी मोहम्मद यकूब मुरली साहब, सबका MLA चौधरी महमूद संग्रा साहब, चौधरी लियाकत तखाना साहब, चौधरी नदीम रहीम साहब, डॉक्टर नैतुल्ला साहब चेयरमैन जफरवाल, और स्टेज पर बैठे तमाम मुजीन पंडाल में मेरे कायद नवाज शरीफ के शेरों अस्सलाम वालेकुम। चूंकि अभी काफी दोस्त जो है कायदीन का खिताब अभी बाकी है, तो मैं एक दो बात ही करना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माए बहनें भी ये जलसा सुन रही होंगी, तो मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आपका वोट या तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाएगा या इमरान खान को जाएगा। तो आप लोगों ने ये सोच समझ के वोट देना है कि आपने कश्मीर का सौदा करने वालों को वोट देना है या कश्मीर की जदोजहद आजादी में हिस्सा डालने वालों को वोट देना है। आपने आटा चोर, चीनी चोर, करप्ट लोगों को, टोले को वोट देना है या मुल्क की तरक्की में जो लोग करदार अदा कर रहे थे, सी पैक बना रहे थे, लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे, बेरोजगारी का खात्मा कर रहे थे। तो ये फर्क है PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। मैं भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से पिछले 17 साल से वापसता हूं, श्री सदर जफरवाल हूं मैं। तो यही एक नुमाइंदा जमात है पाकिस्तान की जो मुल्क को आगे लेके जा सकती है। इमरान खान ने इन 2-3 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो लोग इसको लेकर रहे हैं आज वो भी पछता रहे हैं, वो इससे जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन जान छूट न रही उनकी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चौधरी मोहम्मद सदीक बटली साहब एक तजर्बाकार सियासतदान हैं। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि इतना बड़ा जलसा करके कि इलेक्शन वो इंशाल्लाह ताला जीत चुके हैं। तो आप सब दोस्तों ने भरपूर मेहनत करके इस तरफ पोलिंग जो है वो जितवाने हैं। जफरवाल की फिक्र आप ना करें, वहां पे हम मौजूद हैं, चौधरी अवैस कासिम खान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर नैतुल्ला साहब मौजूद हैं और दीगर साथी जो वहां से तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह ताला भरपूर मेहनत करके ये इलेक्शन हमने हुकूमत के खिलाफ जीतना है। अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने इस काफले नूं ताकत बख्शी और भरपूर इज्तमा दे विच उन्हां दा भी रोल है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जम्मू कश्मीर शेरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौधरी दानियाल अजीज। Thank you.
लाने शेखवान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तमाम दोस्तों इल्तजा करूंगा कि बराए मेहरबानी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, वक्त काफी हो गया है। मैं मुख्तसर दो चार मुखातब होकर गल्ला करना चाहना, अगर तुम मेरे मौका दोगे मैं थोड़ा नहाय शुक्र गुजार होगा। ए दोस्त का जरा बैठ जान, अभी दोस्त का जरा बैठ जान, पीछे वाले सारे बैठ सकन। दरअसल मेरा ख्याल है कि जेडे साडे अगे वाले दोस्त ने उन्होंने अंदाजा नहीं है कि यह पंडाल जड़ा है ये सचदिया सचदिया किस हद तक सच गया। मैं थानू गौर करवाना चाहवागा, ए लाइट जरा पिछा मुड़ा ना सड़क वाल, जरा पिछा सड़क वाल लाइट मैं क्यों इस तरफ तुहानू गौर करा रहा मैं जा यार बराए मेहरबानी सब दोस्तों इंतजा है कि अपने अपनी जगह से तशरीफ रखन। ये प्यार मोहब्बत की महफल है और असं प्यार मोहब्बत मैंने समाजित कर रहा कि तुम अपनी अपनी जगह बैठ जाओ ताकि सारे दोस्त आराम जलसा सुन सकन। मैं इस जलसा गाह सजे हुए तमाम दोस्तों ये कहना चाहना कि थोड़े खूबसूरत चेहरे वे के एक मिनट पुत्र तमाम खूबसूरत चेहरे वेख के और तुहाडी इस भारी तादाद नूं सलामी पेश करदे होया मैं जिस तरह तकरीरां सुन रहा सी और जिस तरह मजमे दा इकट्ठ वड्डा हुंदा जा रहा है जदों दे असीं इत्थे बैठे हां लोग आई जा रहे ने और शामिल हुंदे जा रहे ने। और मैं ये तुहानूं कहना चाहना कि 1997 दे विच तुसीं इक मेहरबानी कीती सी और मेरी तुसी वो याद ताजा करा दिती है क्योंकि यह इलाका जिथे कुछ मुखालफीना का शायद ख्याल है कि मेरे वालिद साहब की सियासत और मेरे चाचे बाबिया की सियासत के यह जुदा जुदा हो गई है क्योंकि 20 साल साडा हलका लैदा हो गया और असी उस तरह तुहाडी खिदमत नहीं कर सके जिस तरह के कदी करदे आया और उस तलक नूं शायद उस सियासी वाले नाल इतना संगना नहीं बना सके क्योंकि इतने कैंडिडेट ही और सन हल्का ही लैदा हो गया सी। लेकिन आज तुसी ओ प्राथो जिस तरह तुहानू सारे जिन्ने बुजुर्ग बैठे ने बच्चों नू शायद नहीं पता क्योंकि इस गल नू 20 साल हो गए ने लेकिन इस इलाके दे विच असी 99% ही वोट लैके ते पैं टपदे रहे हां और इसे वास्ते इलाका जिहड़ा साडे तों अलहदा कीता गया सी क्योंकि कुछ शरपसंद कुछ ऐसे तकरीबी जेन जेड़े सन उन्होंने को थोड़ा जहा अख्तियार सी और जिथे इस्तेमाल कर सकते सी उन्होंने किया और यह इलाका कट के ते सानू वो थलवे इलाके जिथे नूरकोट तो के साडा हल्का जोड़ दिता। ऐतका अपने वालों यह तरकीब की गई कि दो तहसीलां एक करके नून लीग नू नून लीग के मुकाबले जेड़े ना वार करन की कोशिश की गई है नवा गड़ा खुट की तरकीब बनाई उन्होंने और उहदे विच इस जफरवाल तहसील ने एक बड़ा खूबसूरती नाल कुछ पुरानिया यादा की वजह नाल कुछ साडिया मुहब्बतों की वजह नाल और यकीनन साडी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह नाल साडे ते इन्नी छां कीती कि रिकॉर्ड वोट जेडे कदी भी साडी इस ग्रुप नू या साडे इस जमात नू इस इलाके चो नहीं मिले और रिकॉर्ड वोट 1,26,000 दे के सानू हमकनार कीता कामयाबी नाल। उस वेले इस इलाके दे विच चूंकि मैं उस वेले वजीर सी और मेरी जमात हालत जंग च सी और मीडिया दे नाल जिहड़ा साडा दंगल चलदा पिया सी उहदे विच मेरा इंज कह लो कि एक अहम किरदार सी और तमाम मुस्लिम लीग नून दे जिहड़े केस इलेक्शन कमीशन च सुप्रीम कोर्ट च हाई कोर्टां च चल रहे सन मेरी एक जिम्मेदारी सी जमात की तरफों उन्हां दा देखभाल करना उन्हां दी निगरानी करना उन्हां नूं अपनी आखिरी अंजाम तक पहुंचाना मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और उस दे नाल नाल
मीडिया नू और मीडिया के जरिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करा नू और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटरा नू बार बार तकरीबन हर रोज दिन च दो दो तीन तीन बारी भी असी अदालतों चो इलेक्शन कमीशन चो मुख्तलिफ एंटी करप्शन की अदालतों चो नैब की अदालतों चो निकल के ते कौम नू आगाह करते रहे कि मुख्तलिफ किस्म की जिहड़ियां चालां चलिया जा रही ने उन्हां दा पस मंजर की है उन्हां दी ऊंच नीच की है। और उस वेले चूंकि मैं मसरूफ सी इन्हां कम्मां दे विच और आखिरकार मेरे अपने उत्ते मुकदमात बनाते गए जिदे विच तोहीने अदालत दा एक तोहमत मेरे ते लगाई गई उस मसरूफियत दी वजह नाल मैं इत्थे तुहाडे इस इलाके दे विच बावजूद कि मेरा हल्का बन चुकिया सी मैं लेसर कानून कोई दे विच वक्त नहीं सी दे सकिया और उस थोड़े जे वक्फे दी वजह नाल इत्थे आके जिस तरह अवैस खान साहब ने कहा एक चूरन बेचिया गया कि तारक अनीस पिछों जिद्दा आ रहा बस इतने थोड़ी जी तुहाडी जरूरत है तो बाकी साडी एकला तो असैम्बली च असीं ते जित भी गए तुहानूं शायद याद होएगा। और वह चूरन जिहड़ा बेचिया गया वह एक लालच तो बेचिया गया वह लालच ये सी कि नाल वाले हल्के जिहड़ा शकरगढ़ वाला एमपी हल्का है उत्थे तारक अनीस नाल वट्टा सट्टा कीता दा सी उत्थे अकमल सरगाला साहब जिहड़े हुण तुहाडे कैंडीडेट आए ने पीटीआई दे तरफों उन्होंने खड़ा किया पहले इस तरह ही ऐलान करके कि असी पीटीआई दे और बकायदा मुआहदे और हलफ सब 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 कुछ हो गया और उसके बाद पीटीआई ने टिकट ही नहीं दी उन्होंने। लेकिन वो इस कदर इस इलाके दे विच चुके खलास ही जिहड़ा मैं तुहानूं पहले दस चुकिया वो इस कदर है अपना जहर और प्रोपागेंडा फैला चुके सन कि लेसर कानून कोई जिहड़ी कि असी समझते सी कि साडी 100% है और हुंदी भी रही है उत्थे आके इन्होंने साडे जिहड़े पुराने साथी सन 20 साल के पिछड़े हुए उन्होंने एतासर देने च कोशिश की है चूरन बेचा कि जनाब असी तो जिते खलोते हैं और इस इलाके दे विच जो सानू 97 दे विच जिहड़ा पिछला साडी पैमाइश सत्ते हुई सी और उस तो बाद हुण आके जिहड़ी हुई है उहदे च कदरे फर्क सी। लेकिन मैं इस तरफ तुहाडी निगरानी और तुहानूं गौर क्यों करवा रहा मैं इस वास्ते तुहानूं गौर करवा रहा कि वह जिहड़े कि तुहानूं वह चूरन बेच रहे सन ना सिर्फ के तुहाडे नाल धोखा होया उन्हां नाल भी तगड़ा धोखा होया। तुसीं कदी सोचा कि अजकल जिहड़ा तारक अनीस इन्ना करीब सी इन्हां दे इन्हां दी गड्डी ते क्यों नहीं चढ़िया कदी इहदे ते गौर कीता तुसीं इन्हां दे बकौल 34,000 वोट उन्हें उत्थों लए MNA दे और इन्हां नूं मिले सिर्फ 14,000 वोट 11,000 वोट ते उस 34 और 11 विच अगर थोड़े जिहा भी 100 पा दिंदा ते इह ते MPA वटदे सन लिहाजा उत्थे भी उन्होंने धरोह होया उस धरोह की बदौलत तुहाडे ते वोट नूं पवा गए तारक अनीस। तो मैं तुहाडे कोलों सवाल पूछना अज वह फिर तुहाडे च फिरदे पए ने अज तारक अनीस कित्थे है यानी तुहाडे वोट खूह खाते पाते। मैं तुहानूं इह दसण दी कोशिश कर रहा थोड़ी सादा जबान मैं इस्तेमाल कर लूंगा वह तो दूजे नंबर का भलवान से अज नवा चूरन वेचते पे ने तीजे नंबर का भलवान लिया तुहाडे कोल जिहड़ा तीजे नंबर ते है और आप उन्होंने छुरी मारन नूं फिरदा है। इह तुहाडे दोस्तां ने अज सारी तुहानूं तफसील नाल गल दसी है सो तुसीं मैनूं इह गल दसो मैनूं जिस गल की खुशी हुई है जाहिरी गल है असीं इहदे ते जरूर सोचने असीं सियासी लोग हाँ कि अगर इस इलाके दे विच जिहड़े वोट जरे असर ने इहदे च कोई शक नहीं कि इह मियां रशीद साहब दा नाल घर है इतों इलैक्शन लड़ते रहे ने जाहिरी गल है उन्होंने इलैक्शन लड़े ने उन्होंने लोगों वास्ते ने कम अज कम शनासा ही तो है गल तो कर सकते हैं इस तरह ही जेडे पीर साहब आए साहिबान ने और इस तरह ही जेडे सरगारा साहब ने। लेकिन मैं गल सारी इस मारे तुम्हें दोहरा के सुना रहा क्योंकि अज जो काम किया जिस तादाद इतने आए हो जिस तरह तुम बिल्कुल कंधे नाल कंधा ला के सारा पूरा मजमा जरा पिन ड्रॉप साइलेंस खामोशी के सारा जलसा सुनते पे हो किन्ने घंटे हो गए ने तकरीर हो रही ने कोई बंदा हिलया नहीं कोई बंदा खंघया नहीं कोई बंदा उठा नहीं कोई बंदा किसी ने ऐसी गल नहीं की एडे गौर ना तुम सुनते पे हो। मैनू 30 साल सर्विस होगी सियासत 1991 मैं पहला इलेक्शन लड़े 2021 आ गया मेरे तजर्बे के मुताबिक जो तुम अज काम किया एक ऐसा पैगाम दे दिता है तमाम सियासी बरादरी के तुम
वापस अपने घर आना चाहते हो और तुसी वापस अपने घर आ गए हो और इंशाल्लाह शेर दे मोहरा ला के तुसी सदीक पार्टी नूं कामयाब करके बरादरी के बदौलत जेडे के पटली साहब ने बड़ी बखूबी ध्यानी कराई है कि चौधरी अनवर अजीज मेरे वालिद साहब वह सियासतदान सन जिन्होंने तुहाडा मुकदमा लड़के तुहानू पाकिस्तान विच भी वोट देने का हक लैके दिता और आजाद कश्मीर विच भी वोट लैण देने का हक दिता। और पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ है नहीं है तो एक मिसाल है, मैं तुहानू दस सकना कि तुहाडे नाल मेरे वालिद साहब जो असीं निक्के हुंदे रहे हां साडे घर जिहड़े दोस्त इत्थों आंदे रहे ने इस इलाके चों खास तौर से डिंगा नारायणपुर चो ए बेरे दंदोर तो ए जंगू चक तो ए सारे जिन्ना भी इलाका है ए ठाकरपुर मुकाम है ए तुहाडा लोहारा है ए शरीफ साहब मैनु याद है अल्लाह नू प्यारे हो गए उन्होंने बेटे ए पीढ़ी दर पीढ़ी साडा सिलसिला चलिया होया। लेकिन इस बावजूद हमेशा सानू इत्थों तुसां भरपूर वोटां दे के भेजे और मैनू इस गल की बड़ी खुशी हो रही है कि अज दे इस मजमे नू वेख के मैनू पक्का यकीन हो गया ईमान मेरा ईमान कायम हो गया कि तुसीं ओ पुराना तलक साडा अज बहाल कीता और मैं तुहाडा शुक्र गुजार हाँ कि तुसीं इह मेहरबानी कीती। जिहड़ी जिहड़ा इलैक्शन है बहरहाल है जमातां दे दरमियान है और जिस तरह कि तुहानूं पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत विच इस पाकिस्तान नूं हमेशा एक बुरे हालात दे विच उहनां नूं मिलदा है और फिर अपनी मेहनत अपनी मुशक्कत अपना विजन अपने बैनुल अक्वामी तालुकात अपनी कोशिशां अपनी सोच अपनी टीम दे जरिए रफ्ता रफ्ता बार बार साबित कीता है कि जिस वेले उन्हां दे उत्ते किसे ना किसम दा वार हुंदा है उस वेले तक वो पाकिस्तान नूं पहले नालों काफी बेहतर कर चुके हुंदे ने। इस मरतबा भी जदों उन्हां नूं एक गलत मुकदमे दे विच तुहानूं पता होना चाहिए कि वह पनामा इसने कटे ही नहीं गए अज तक पनामा दे विच नहीं उन्होंने बेनते ने ऐसे ही कामा जे केस दे विच उन्होंने फारग किया जिदा कोई सिर पैर ही नहीं सी अज तक और उस वेले तक जदों तक उन्होंने फारग नहीं सी किया पाकिस्तान दे विच 18-18 घंटे लोड शेडिंग सी। तुहानूं बहुत सारिया दोस्तों भुल गई होनी अज असी बैठे सी अपना रियाज सलहरी साहब के डेरे से उत्थे इलैक्शन हॉल खोलिया सी गमरौले और उत्थे बिजली नहीं सी उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मर ठीक हुंदा पिया पांच मिनट बाद सारे पुछते पे सन यार बिजली नहीं आई। मतलब साड़ी उस मुस्लिम लीग नून की कोशिश की वजह नाल ऐ मियार बन गया जदों के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो पहले सारिया हुकूमतों ने ढिल ला लिया 18-18 घंटे लोड शेडिंग सी याद करो तुसीं वो किस तरह होया। चीन जैसा मुल्क कहण ते मजबूर हो गया कि असी काम बड़े तेज करने हैं हुण तां उन्हें एक मिसाल उन्हें दिखाई है कोरोना दे विच सारी दुनिया च कोरोना फैलदी पई सी चीन ने ढक्का ला छड्या और तुसीं टीवी ते वेखो ते क्लिप बने ने सोशल मीडिया ते दसां दिनां दे विच उन्होंने 1000 बैड का अस्पताल खड़ा किया यानी उत्थे तुसीं रात नूं सोवो अखां मलदे मलदे ते सवेरे उठो अखां मलदे मलदे ते पूरा टावर खलोता हुंदा एक दो दो दिनां च पुल बना सकते उन्होंने ऐसी रफ्तार है। वह भी मजबूर हो गए कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जिहड़े पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने शहबाज शरीफ साहब उन्होंने नाम चीन के मशहूर हो गया कि पंजाब स्पीड से काम करते हैं उन्होंने नाम पै गया चीन के पंजाब स्पीड में इतनी जल्दी उन्होंने बिजली घर बनाए इतनी जल्दी उन्होंने उन्होंने कनैक्शन लाए इतनी जल्दी उन्होंने तारा बिछाइया ता कि हर महीने नवे मेगावाट जो सू ऑनलाइन आते गए और पाकिस्तान की बिजली जी बहाल करने का काम करते रहे। इस पाकिस्तान के कोई दिन नहीं गुजरता
जिद किसी ना किसी शहर मुकम्मल तौर पर बरूद की बोह आ रही होंगी सी और लाशा बिखरिया पे सन ए गड्डिया तबाह हो सन मोटरसाइकिल के पुरजे जाके छत बजे होंगे सन ए गोश्त के लफड़े जो सन लोग पखियां तो लाते पे सन तुम याद है एफ आई ए के दफ्तर आई एस आई के दफ्तर जी एच यू के हमले मैं तुम्हें कहड़े कहड़े याद कराऊ तुम सारा पता है बकायदा उस चीज उत्ते पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान कंट्रोल किया बकायदा उस जंग का आगाज किया ऐलान करके दलेरी नाल सारे उन्हें बच्चे ने यह जिस वे पा लेंगे ने अपनी आवाज कट दी जिथे मर्जी जा बचे कि पता होंगे ए जरनैलों की मस्जिदों के नहीं जाके फटे जरनैलों की गड्डिया नाल जफे पा के नहीं फटे मंगते बन के झूठे एक सियासी बंदा तो होंगे ही आवाम है यह दिल गुरदे की बात होंगी है ऐसे फैसले लेने पहले नहीं ले किसी ने तुसी मैनूं दसो नहीं दहशतगर्दी खत्म की नहीं की नहीं फड़े उन्होंने पहले 20 साल क्यों नहीं होया किसी ने किया इस मुल्क नूं हुण तफ़ज़ मिल गया ऐ हुण तुसी देखो 3 साल लंघे ने ऐ रफ्ता रफ्ता फिर इधर उधरों खबर आने लग पई वो देखते ने कि यह हुक्मरान कमजोर ने हिंदुस्तान ने देखा कि हुक्मरान कमजोर ने 74 साल जो वार नहीं कर सके नून लीग की हुकूमत के दौरान इतने आके पैरी पे पाकिस्तान के सुलह कर लो सा गलबात कर लो सा तजारत कर लो सा किसी तरह गल मान लो अड़िया शरायत रख लें कोई किसी तरह रस्ता कट लीए यह हिंदुस्तान है तो हूँ उन्होंने यह देख के हुक्मरान जरा कमजोर है या वह कण है या उन्होंने कोई ऐसा लालच है जरा कि पाकिस्तान के हक च नहीं जा रहा यह उ नहीं है जिन्हें कहा कि मोदी अगर इलेक्ट हो जाएगा तो कश्मीर वास्ते बहुत अच्छा होगा याद करो दसो ना यार नहीं क्या ने? याद नहीं तू कश्मीर वास्ते अच्छा हो गया 2 साल से जा रहे हैं कर्फ्यू बरकरार है दिन रात तक कर्फ्यू उत्थे टेलीफोन बंद ने उत्थे इंटरनेट बंद है तुसी रात का डाक नहीं भेज सकते किसी को गल नहीं कर सकते कोई बाहरले मुल्क का कोई सफीर कोई जो अज फलस्तीन सिर्फ एक महीना होया और 2 साल तो कश्मीर चुंदा पे इतने कोई पुछ के इन्होंने जाके जनाब श्रीनगर हाईवे सड़क का ना रख सकया गलत पॉलिसी की कमजोरियां की वजह बाहरले मुल्क पाकिस्तान का पैगाम लेके जा रहे सन कि यह बड़ी ज्यादती हो रही है यह गलत हो रहा है बजाय उन्होंने शाबाश देंदे बजाय उन्होंने रहनुमाई करते बजाय उन्होंने हलाशेरी देंदे कि कोई गल नहीं औखे सौखे वेले भी आंदे नहीं करिए टीवी के उत्ते आके उन्होंने लान तान कर दी पूरी दुनिया हुण तुसी मैनूं दसो किहड़े जज्बात नाल उन्होंने जाना की करना या जिथे जाणगे अगले जिहड़े उन्होंने मिलणगे कहणगे तुहाडी ते अपनी हुकूमत ही तुहानूं नहीं मनदी तुहाडे पहले की है तुसी ते पहले ही नाकस हो यानी आप नायल ने और जिहड़े कोई कारामद है सन जिहड़ा काम कर सकते सन कश्मीर वास्ते उन्हां सारिआं नूं जिहड़ा इन्हां नकारा कर दित्ता इक्को ही तकरीर च कदी इस तरह वी होया बाद च कहता जी मैं माफी दे दो मैनूं गल गलती हो गई और तेरे कोलों केड़ी केड़ी गलती हो जांदी आ इस वास्ते जमातां दे दरम्यान इलेक्शन है और इन्हां जमातां दे विच जिहड़ा फर्क है वो तुसी कढ़ना वोट देण वेले क्या तुसी मैनूं दसो कि इस मुल्क दे विच हुण साफ पता है जिहड़ी करप्शन हुंदी है कसम खुदा दी जिहड़ी तफ्तीश हुंदी है खुरा बनी गला जांदा है नहीं जाना अपने ईमानदारी दसो ए क्यों इस्तीफे देंदे फिरदे ने सारे वजीर 2-2 महीने बाद सारे वजीर बदल छड़दा है कि ए नवा आएगा तो पुराना फड़िया नहीं जाएगा जेडे फड़े जाते हैं उन्होंने नवे पोर्टफोलियो दे देंगे ये अच्छा तमाशा बनाया सब तो बुरा हाल पाकिस्तान की मुशत है पूरे एशिया च करोना आई है असि थल्यो फर्स्ट हाँ माशाल्लाह इस माशाल्लाह क्रिकेटर साहब की इतने लोग कह लग पे यार किसी तरह बन वेला वर्ल्ड कप असं वापस नहीं कर सकते साड़ी जान छुट जाए देखो जो तुहाडा हाल कीता इस मुईशत ने वो खुदा दे बंदे हो चीनी 50 रुपए सी
ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਚ 110 150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਉਹ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਨੀ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਡੈਨੈਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਕੌੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੋਸਟਰ ਪੁਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਓਏ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੱਸੋ? ਗੋ ਇਮਰਾਨ ਗੋ, ਗੋ ਇਮਰਾਨ ਗੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਾਊਚਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਰਾਨ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਨ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਲੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਂਗੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਗਿਆ, UN ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਲੀ ਐਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ OIC ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ? ਚੋਰੀ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸੁਦੀਪ ਪਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਰੀ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਨ ਅਲਾਕਵਾਮੀ ਸਾਖ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕਾਕਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ $2 ਅਰਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੱਫਾ ਚਾੜਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੱਫਾ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੇਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੂਲ ਲੂਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਹੱਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਕਾਕਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਾ ਬੇਲ ਸ਼ੇਲ ਕਰਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਭ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਠੀਕ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੋਬਾ ਬੈਠ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
शरा सी तरक्की दी वह 5.8% सी जो नून लीग की हुकूमत गई है इन्हें आके एक साल के अंदर अंदर 0.4% कर छी यानी यह नहीं कि थोड़ा जी ठेस पहुंचाई उन्हें घोड़ा लाके मारा उन्होंने सारा कुछ वो तख्ता खड़म कर दिया और फिर वह जवाब भी कोई नहीं है हूँ उन्होंने इस वजीर को इन तारीफा कर रहे सन जी कमाल की फीस शेख ने कमाल की फीस शेख ने और जिस वे इलेक्शन खिला रहा अकल उस टिकाने आई वह हार गया तो एक हफ्ते चुन कता कि जी हूं हूं भैड़ा हो गया वह बेचारा अज तक कहता है कि वड वड कसाइया के छुरे हो गए घस घस टांगे के तुरे हो गए और तेरी ऐसी तैसी इमरान खाना जो चंगे तेसी तुरे हो गए लेकिन मैं तुम्हें अगली गल दसन लगा अज तक है जिन्हें एंकर शंकर मैंकर ने ना इन्होंने सारे मैं बड़ा जानना ये पढ़ते नहीं बहुत यह हूँ शफीस शेख को इस वास्ते इलेक्शन लड़ाना पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि गैर मुंतखब इंसान जोड़ा है वह पाकिस्तान के कबीने के फैसले नहीं कर सकता और उन्होंने 6 महीने की मोहलत दी इस वास्ते उन्होंने इलेक्शन पाया कि इलैक्ट हो जाए ताकि अगे चल सके वह हार ही गया तो जो अगो अगला भलवान लिया इन्होंने जिन्हें अपना बैंक डुबा छड़ा है जिंदा ना शौकत तरीन है तुहाडा की ख्याल वह मुंतखब है वह किस तरह मीटिंग चेयर करता पे प्राइवेटाइजेशन वाली सारी एक कुआड़ा फिर मैं की कह रहा मैं तुम्हें कह रहा कि इन्होंने सिरा ही नहीं लगे अज तक 3 साल हो गए ने इन्होंने पैर ही नहीं लगते पे इस वास्ते इन्होंने कोलों कोई तबक्को भी करना कि आने वाले वेले दे विच कोई बेहतरी कर लैन गए ये मुड़ मुड़ मुंह भरने डिगते ने इन्होंने चुके खिलार देने खिलारण वाले समझ गए हो ये फिर मुंह भरने डिगते ने फिर उन्होंने परना लाके झाड़ते झूठते ना मेरा पुत ना मैं खलो जा खलो जा शाम हो गए खलो जा 5 मिनट फिर वो तेरा जब ध्यान है तो मैं फिर मुंह भरने डिगया हूं इन्हें इस कौम तबाह कर छड़े यह फैसला करना है कि क्या तुसी इस कौम की तबाही वास्ते वोट देना है या इस कौम की बेहतरी वास्ते वोट देना है अगर बेहतरी वास्ते देना है तो यह तुहाडा कैंडीडेट सदीक पटली है शहर का नुमाइंदा इत्थे तुहाडे कश्मीर MLA दे इलेक्शन विच पहले से जीत ते जे तुसी आप बल्ला लैके ते आप अपने सिर च मारना है पहले वांग जिहड़ी तुहानूं सारी गल शुरू सुनाई है मुड़ के खूह छाल मारनी है तो फिर ऐतका तीजे नंबर वाला लई फिर उन्होंने बल्ले वोट दे के तुम बना लो अपने सिर च होर कलाड़ा मार लो हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह इस वास्ते मैं आखिर च तुहाडे नाल एक इल्तिजा करना चाहवांगा इत्थे जिन्हें दोस्त साथी भरा जिन्होंने बात की तुहाडे नाल गलबात की उन्होंने सारे ने कहा तुसीं वोट देने ने मैं ध्यान लाना पा इस महफल के जड़े जड़े बजुर्ग पगबन बैठे ने सिर्फ वोट वाले है नहीं सो ये टबर वाले ने कुंभे वाले ने बरादरी वाले ने रिश्तेदारियां वाले ने यह आगू ने अपने अपने घर के हथों मैं सारी गल दिसदी पई है अपने अपने इलाके दे ते मैं तुहाडा तरला यह कढ़ना है कि जिथे बाकिया ने तुहानू आख्या कि तुसी वोट दिओ मैं तुहाडा तरला कढ़ना कि मेहरबानी करो फैल जाओ निकल जाओ पिंडां च यह सिर्फ वोट की खेड नहीं अपोजिशन का इलेक्शन नूं इलेक्शन समझो जाओ उत्थे उत्थे जिथे जिथे तुहाडा तरला पिया बुलाओ उन्होंने हूं तो बंदोबस्त करना शुरू करो कि जो राहुल पिंडी रहा है जो गुजराले रहा है जो वोटर लिस्ट च ना है वह इतने आने का बंदोबस्त होने तो शुरू करो उस वे सू लाकडाउन ना दसना इतने एक भरा धुंध की बड़ी फर्क है फिक्र है धुंध का इलाज असं करा तुम फिक्र ना करो जे इफ्तिखार हसन शाह की बेटी धुंध का इलाज कर सकती है मेरी नस्ल पासे लोटे भजन गे अज अपने शेर भी भजन गे मियां दे झंडे लगन गे जिथे तक तलक है जिथे तक तलक है पाकिस्तान की मईशत का मैं आखिरी जुमला तक दसना चाहवागा उस बारे च कि इस कदर पाकिस्तान कर्ज के इस हुकूमत ने डुबो दिता है कि जो कर्ज पिछलियां
74 साल दे कुमता नहीं जमा कर सकिया। इन्होंने माशाल्लाह इको दो साल 100% वधाता, यानी ओ बराबर कर दिता है अपने टेन्योर च। यानी शिकस्त रेख करन दा जिहड़ा बेहतरीन मनसूबा है कि आने वाली नस्लां नूं इन्ना क गोता लवा दिओ, इन्ना क पानी थले दबा दिओ कि साह लैण ते पानी जाए, आपे डुब डुब के मर जाने, सिरी ने चुकण जोगे होण। यह करदे पए ने साडे नाल कि आप दे नाल होया कुछ नहीं। आने वाली हुकूमत वास्ते भी ऐसे सुरंगी बंब बनाते पे ने कि जिथे जिथे वह पैर रखण, चप्पे चप्पे दे किसी की लत्त उड़ जाए, किसी की बाह उड़ जाए। इस वास्ते यह पैगाम यह जाना मैं तुहानूं कह रहा कि तुसीं पिंडां च निकल जाओ। यह सिर्फ एक शिकस्त नहीं चाहिए, एक मिसाल बननी चाहिए है जेड़ी के पाकिस्तान में एक बारी चौक उठना पवे कि यह क्यों है। फिर जाके इन्होंने इंसान का बच्चा बनना है, फिर जाके इन्होंने किसी ने पूछना है, फिर जाके इन्होंने समझ आनी है। अजे तक कराची वो पहले नंबर से आने बाद छेवें नंबर से आ गए ने, छेवें नंबर से आए हैं कराची। मुड़ कहता जी मैं कैंडिडेट गलत रखे, तेन कदों समझ आनी है, तू आप गलत है। कभी वजीर का ना लेगा, हूँ कहता जी करप्शन नहीं रुक सकी, नैब का कसूर है। और तू तो सानू पट्टी पढ़ाई है 18 साल, ये करप्शन जी है उत्तों शुरू होंगी है। उतले वाला बंदा अगर इंसाफ वाला हो फिर थले करप्शन आपे सिद्धी हो जाती है, तो मैं 90 दिन मुका देंगा। वो तू 900 साल च नहीं मुका सकता कोई शायद, तू है ही सहल नहीं, तू 90 दिन की दसना सानू। इस वास्ते चौरी साहब उन बड़े काम किए, लेकिन वो काम तो सानी दसे हर गल दसी। मैं अगर गमल करना फिर तुम माइक दे देना, बुरा ना मना। ते मैं तुम एक गल कहना चाहना कि इस वास्ते मैं तुम कह रहा कि सिर्फ तुहाडा वोट नहीं चाहिए साथी, सानू वर्कर चाहिए ने, कैंपेनर चाहिए ने। ये तुसी सारे जिसने निकलोगे इत्थे किन्ने हजार बंदा बैठा है, दो दो तीन तीन बंदे नूं किन्ना तादाद वधी जानी है। अगले दिन थोड़े ने रात बहुत हो गई है। मैं तुहानू यह दसना चाहना कि माजी दे विच यह हलका नून लीग के दौरान अगर कोई छोटी मोटी डिवेलपमेंट हुई है तो वह कारपेट दियां सड़कां कराईयां ने, तो वह भी नून लीग की हुकूमत के दौरान आईया सन। लेकिन मैं जिहड़ी गल तुहानू करना चाहना कि अज सानू दस्या जांदा कि जी है रियासी बरादरी ते एक बहुत सारिया एक मिनट पुत्र हैलो रियासी बरादरी जिहड़ी है वह बहुत सारिया बरादरियां का गुलदस्ता है। यह गुलदस्ता उस वेले नहीं सी नजर आता 16 साल जो बेड़िया के लंघते पे सी लोकी नालिया चो, वह 16 साल उदो गुलदस्ता नहीं सी लगता, उदो इत्थे कौन लंघते सन बेड़िया च, वह गुलदस्ता तो हिस्सा नहीं सी। हुण पुलियां बन गई ने, वह जिस तरह बनिया ने वह भी सानू पता है। लेकिन कहने का मकसद ये वे जे छटपट च हुण बन सकदियां ने तो उस वेले तो कारपेट भी आ रही सी, हर शे आ रही, क्यों नजरअंदाज किया गया उस पूरी बेल्ट नूं। मेरी गल समझ आती पी है, क्यों नजरअंदाज किया गया? अगर यह गुलदस्ता सी तो सिर्फ चंद फुलों को पानी मिलता रहा, बाकी फुलों गुलदस्ते पानी क्यों नहीं लभ्या? हूं तो गल आ गई ना दूजे पासे, हूं तो फैसला होना है कि